भाईजी भाईजी आप तो केदारनाथ जा रहे हो ना, घोरे खचरों में जाने से अच्छा केदारनाथ आओ ही मत। तो दोस्तों अब यहाँ से केदारनाथ हमारा 14 किलोमीटर बचा हुआ है। पूछ लो यार, अभी नहीं उठे उस टाइम। 2 बजे उठाया था, 2 बजे उठाया, 3 बजे मैंने भी उठाया, फिर 4 बजे उठाया, मामा जी भी उठे 3 बजे। अच्छा 5 बजे मैं उठा रहा था, तुम तब कोई नहीं। 5 बजे अब अपना 5 बजे का नाम रखा रुपए के साथ के लिए। दोस्तों एक दिक्कत हो गई है, सोनप्रयाग में सुबह के 6 बजे का माहौल कुछ टाइप का हुआ है। आप देख सकते हैं रात के 12 बजे से यहाँ पे लोग लाइन पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सोनप्रयाग से। हम लोगों ने सोचा था रात के 2 बजे से हम लाइन पे लग जाएंगे केदारनाथ यात्रा के अंदर, बट हमसे हो नहीं पाया क्योंकि हम कल शाम को 9 बजे तो हम यहाँ पहुंचे सोनप्रयाग। उसी बार हमने खाना वगैरह बनाया तो 10-11 बज गए थे। उसके बाद जब हम सोए तो आंख ही नहीं खोली, थकान भी हो गई थी, पूरा दिन जाम में फंसे थे। अभी जब उठे हैं दिख रहे हैं कि यहाँ लाइन तो बहुत ही लंबी है। हम अगर लाइन पे भी रखते हैं तो ये नंबर तो हमारा शाम तक ही आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे करें क्या करें। अब यहाँ तक तो आए हैं तो और आगे तो जाना ही है हमें किसी भी हालत में। अभी भाई और माजी गए हुए हैं रजिस्ट्रेशन का पता करने की कैसा है क्या है, जैसे आते हैं फिर बताते हैं हम आपको कि हम क्या करेंगे आगे को। सोनप्रयाग का हाल देखो गाइस, और 3 गजब पे बहुत ज्यादा क्राउड आया हुआ है। रात हम कुछ सी गाड़ी में सोए हुए थे। केदारनाथ जो हम सामान ले जाएंगे उसके लिए हम बैग तैयार कर दिया, एक ये है एक आगे है। क्या हुआ, चलना पड़ेगा जल्दी से। वो ये इसका रजिस्ट्रेशन का क्या? हाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये लाइन कितनी लंबी, कहाँ तक पहुँची है? 1.5 किलोमीटर है, वो सीतापुर पहुँच गया है। 1.5 किलोमीटर उधर, हाँ उधर जाना पड़ेगा। अच्छा तो कोई लाइन में तो लगना पड़ेगा फिर। हाँ, ना हाँ। अलार्म किसने रखा था? मैंने रखा था। तो सुनाई दी, उठाया आपको यार? आप कितने बजे उठाया? 2 बजे। हाँ पूछ लो यार, अभी नहीं उठे उस टाइम। 2 बजे उठाया, 2 बजे उठाया, 3 बजे मैंने भी उठाया, फिर 4 बजे उठाया और मामा जी भी उठे 3 बजे। अच्छा 5 बजे मैं उठा रहा था, तुम तब कोई नहीं। 5 बजे अब अपना 5 बजे का नाम रख दिया। 5 से अभी बज रहे होंगे। नहीं यार तो ये 5:30 हुआ है, 5 बजे तो हम खुद उठ के गए हैं। ये 5 बजे तो मतलब जी। दोस्तों हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देखते हैं लाइन पे जाके और आपको भी वहीं का अपडेट देते हैं कि कैसा है। लेकिन गाइस यहाँ का ना हाल बहुत बुरे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। साथ में एक बैग है, अब बैग में हमने अपने खाने पीने का सारा आइटम रख लिया, मैगी वगैरह रास्ते में बनाएंगे। तो गाइस हमारे साथ एक अच्छी खबर यह है कि हम लोग ना बिना लाइन में लगे ही आगे निकल चुके हैं। और बाबा जी को भी पता है ना हम कैसे तपस्या कर रहे हैं। सीधे पहुँच गए रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और बहुत भीड़ है। दोस्तों एक दिक्कत हो गई है, ये कह रहे हैं स्कैनिंग होगा सबका, अब पता नहीं क्या स्कैन होगा। स्कैनिंग वाली लाइन देखिए आप, इतनी लंबी लगी है। तो शायद मुझे लग रहा है रजिस्ट्रेशन और स्कैनिंग दोनों एक ही चीज है, दोनों एक साथ है क्या? चल रहा है क्या? कुछ एक साथ लग जाओ, लग जाओ। नहीं हम लाइन पे तो लग चुके हैं, भोलेनाथ की कृपा से हमको ना लाइन पे लगना पड़ा, थोड़ा सो हमको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और सामान चेक करने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। जो पीछे से लाइन लगनी थी ना 1.5-2 किलोमीटर की, उससे बच गए हैं हम। कितने लोग? 3। दोस्तों ये टैक्सी के लिए लाइन लगी है, आगे से टैक्सी होंगी गौरीकुंडे तक, तो हम भी टैक्सी वाली लाइन पर लगे हैं, तो गौरीकुंड तक टैक्सी में जाएंगे। यहाँ पे ना सभी लोग ये डंडे बेच रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग ये डंडे ही खरीद रहे हैं। इस लोगों को सहारा, चलने का सहारा चाहिए होता है। सबसे ज्यादा क्या बिगड़ा? डंडा। हाँ क्योंकि तीसरा पांव बन जा रहा है ना। अच्छा अगर आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाते हैं तो पर व्यक्ति का किराया टैक्सी का 50 रुपीज है, 50 रुपए है। तो आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी लेंगे तो 50 रुपए पर सवारी। तो दोस्तों अब यहाँ से हमें टैक्सी लेनी है और टैक्सी से हम जाएंगे गौरीकुंड तक। सारे टैक्सी वाले यहीं पर लगे हुए हैं। दोस्तों गाड़ी यहीं तक है गौरीकुंड तक, गौरीकुंड यहाँ से 200 मीटर आगे है। अब चलते हैं यहाँ से पैदल, सभी यात्री पैदल जा रहे हैं, हम भी पैदल जाते हैं। वैसे गाड़ी आगे तक जाती है सामने, बट हम यहीं उतर गए कि जाम बहुत लग रहा ना। इस गाड़ी का मेन स्टेशन यहाँ पे है, अगर आप सोनप्रयाग से निकल रहे हैं तो आपको गाड़ी यहाँ पे छोड़ेगी, और हम वो वहाँ उतर गए थे, वहाँ से हम पैदल ट्रैक करके आए। वो सुबह का टाइम है तो आप देख सकते हैं लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं,
कुछ लोग दर्शन करके घर को जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं चल पाते हैं, उनके लिए ये बास्केट है। बट यार मैं तो यही बोलूँगा, बास्केट में जाने से अच्छा घोड़े खच्चरों में जाने से अच्छा केदारनाथ आओ ही मत। जो नहीं चल पाता है, जिनके हाथ पांव नहीं होते हैं, वो लोग इनका यूज कर सकते हैं। जो सही सलामत है, जो चल सकता है अपने पांव में, वो अपने पांव से ही जाएं तो बढ़िया होगा। तो गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है और हम तो है पहाड़ी बंदे, हम थकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करेंगे, थोड़ी बहुत सांस फूलेगी उसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि होता ही है यार, वो तो सांस फूली जाती है। हमने बास्केट का पता किया ना, जैसे कोई अगर आना चाहता है तो 12-13 हज़ार रुपये का एक बास्केट है भाई। तो गौरीकुंड में देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, रास्ता ही नहीं मिल पा रहा, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। दोस्तों हमने आधा रास्ता क्रॉस कर दिया है और यहाँ से अभी ना 15 किलोमीटर और केदारनाथ, कहीं पे दिखा था वो मैंने देखा, तो चलते ही रहते हैं। अभी तक हमने कोई भी ब्रेक नहीं लिया है, बस चलते जा रहे हैं और नाश्ता करेंगे अभी कहीं पे। हम लोगों ने अभी नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता करने का मन ही नहीं कर रहा, बस कदम अपने मन से आगे को चलते जा रहे हैं और थकान भी महसूस कम हो रही है, मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है ना। आह सुकून गाइस, सुकून। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा सा आगे अभी हम रुक गए हैं, एक तो धूप है और हमने गर्म कपड़े पहन रखे हैं ना, तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। देखिए ये 100 रुपए के साथ के लिए 100 के साथ। हाँ ओ भाई। तो दोस्तों अब यहाँ से केदारनाथ हमारा 14 किलोमीटर बचा हुआ है और भाई यहाँ पे फोटो शूट कर रहा है। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, क्या ही बताऊँ यार, बस सब मंदिर पहुँचे हो रही, आधा आ चुके हैं हम लोग, आधा और बचे हैं। केदारनाथ के रास्ते में ना आपको ऐसे बहुत प्यारे प्यारे जगह देखने को मिलेंगे, जहाँ से पानी गिरते हुए और नीचे यात्री चलते हुए, बहुत सुंदर लगता है ये सब देख के। भाजी भाजी आप तो केदारनाथ जा रहे हो ना? हाँ हाँ ये कितना है? बहुत भाई जितना हाइप बना रखा उतना नहीं है भाई, हमारे तो नॉर्मली है क्योंकि हम पहाड़ों के बंदे हैं। और जो बाहर के हैं उनके लिए? बाहर के बंदों को थोड़ा स्ट्रगल पड़ता है इधर, बिकॉज वो लोग कभी पहाड़ नहीं चढ़े ना, तो हमारा तो बढ़िया हो रहा है भाई। देखो मैंने सिलेंडर कैरी कर रखा नीचे। और यहाँ देखिए ये इतना सामान इसमें है, मेरे पास भी है। मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। दोस्तों फिर से हम रुक गए हैं और यहाँ पे मस्त छाया हुई है, तो हम थोड़े बैठ गए, रुकते हैं, रुकते रुकते चल रहे हैं। हमने साथ में बिस्किट करी कर रखा था, बिकॉज ना ऊपर को बहुत महंगा है भाई, तो हम लेके आए हैं, नाश्ता भी नहीं किया था तो हम ये खा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड से 5-6 किलोमीटर ऊपर, अब यहाँ से ना केदारनाथ अराउंड 13-14 किलोमीटर होगा बस। दोस्तों हम बहुत आगे आ चुके हैं और सामने हमें हमारी मंजिल दिखाई दे रही है, बट अभी बहुत इसके पीछे जाना है। इन लोगों को देख के ना हम लोगों को भी जोश आ रहा है, जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा एज के हैं वो भी ऐसे पैदल चल रहे हैं, तो उन लोगों को देख के ना हम जैसे यंग लोगों को बहुत जोश आ जाता है, जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, बट कुछ कुछ लोग ना यंग होके भी घोड़ों पे ही जा रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने मंजिल के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ पे से ना आपको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये, एक यहाँ से होते हुए पार से होते हुए सीधे केदारनाथ, बट हम लोगों ने ये वाला रास्ता चुना है, थोड़ा सा ये शॉर्ट है और लेकिन इसमें ज़्यादा की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और वो थोड़ा लॉन्ग है, बट वो सीधे सीधे में है। मेरे मन में शंकरा
पहुंच चुके हैं रामबाड़ा एंड यहां से अभी 8-9 किलोमीटर की दूरी है केदारनाथ। यहां से अब सीधा चढ़ाई लगती है तो ये पार रहा पूरा रामबाड़ा और यहां से दो रूट पड़ते हैं। अभी हम जा रहे हैं शॉर्ट रूट से लेकिन ये पूरी चढ़ाई वाली रूट है। हमें ना अब ये चरना है, यहाँ से होते हुए वहाँ से जाएंगे, काफी मजा आ रहा। तो दोस्तों अब यहाँ से केदारनाथ मात्र 7-8 किलोमीटर बचा है हमारा, बहुत कम है। तो गाइस हम लोग नीचे से ऊपर तो आ गए हैं लेकिन अभी भी ना हमें बहुत ऊपर तक जाना है। तो अभी हम बीच में पहुँचे हैं और थकान भी हो रही थोड़ी बहुत। और ये देखिए ना गाइस कितना ज़्यादा रश है यार, क्राउड बहुत है। तो दोस्तों अभी भी ना रास्ते में हमको बर्फ देखने को मिल रही है और तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं केदारनाथ में कितनी ज़्यादा ठंड है। ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है कई जगह और अभी मंदिर बहुत दूर है। सच बताऊँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम लोगों ने ना खाना वगैरह नहीं खाया है। तो चलते हैं यार एक बार मंदिर पहुँच जाए। हमने अपना रूट चेंज कर दिया, हम यहाँ से ऊपर को आ गए और बर्फ के सहारे यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे ना हम मैगी वैगी बना लेते हैं क्योंकि अभी बहुत जाना है और भूख भी हमें बहुत लग चुकी है। इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम कहीं पे रुक के बर्फ़ में कुकिंग करेंगे। और अब ना फिसलन हो रही है, फिसलने का भी डर लग रहा है। तो गाइस हम यहाँ पे ना मैगी बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। तो ये तो थक चुका है, मामू अभी नहीं थके हैं। और ना केदारनाथ साइड ना बारिश का मौसम हो गया, शायद बारिश आएगी आज ऐसा लग रहा है। हमारे बरसाती छाता कुछ भी नहीं है यार, क्या होगा। तो हमारे मैगी बनने लग गई है, फटाफट से मैगी बनाते हैं। अब भाई ना बर्तन साफ कर रहा, गुड बॉय। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं केदारनाथ और बहुत थक भी गए हैं। और हम लोगों ने ना आज पूरे दिन बहुत तपस्या की, बहुत चल के आए एंड भोजन भी नहीं किया, बस एक मैगी बनाई रास्ते में। अभी मैं आपको आगे जाके मंदिर दिखाऊंगा। मैंने रास्ते में बहुत कम वीडियो बनाई कि आप इन दोनों के वीडियोज में भी देखोगे ही। तो तीनों ने बांट बांट के बनाया, यानी कि कुछ इसने दिखाया कुछ उसने दिखाया, तो ऐसे करके बनाया ताकि तीनों का सेम कंटेंट ना होना, थोड़ा अलग अलग। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहले हम कर रहे हैं मंदिर के दर्शन। अभी लोग भी कम है ना, तो अभी फटाफट से हमारा भी नंबर आ जाएगा। सबसे पहला काम वही कर रहे हैं दर्शन, उसके बाद ही हम खाना वाना खाएंगे, टेंट वेंट लगाएंगे। हम सीधे जा रहे हैं मंदिर पे, हमने टोकन भी ले लिया है, प्रसाद भी ये रख दिया। माय गॉड इतना ठंडा है ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ यार, मेरा तो पता नहीं चेहरा ही कैसा दिख रहा होगा। दोस्तों दर्शन के लिए देखिए आप कितनी लंबी लाइन लगी है और हम लोग बिना भी फंसे हैं। सारे श्रद्धालु हैं